हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम का डिडक्शन देखा था, कैसे गॉस थ्योरम को हमने डिराइव किया था, उसका स्टेटमेंट क्या था। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि गॉस थ्योरम से हम कूलाम्स लॉ को कैसे डिराइव करते हैं। अपने कूलाम्स लॉ को भी अच्छे से पढ़ लिया, कूलाम ने अपना लॉ डिराइव किया था, देन गॉस ने भी अपनी एक थ्योरम डिराइव की थी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड थी। अब दोनों ही थ्योरम अपनी अपनी जगह सही है, तो अगर ये दोनों सही है, ये सेटिस्फाई करती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका एक डेरिवेशन या क्वेश्चन बनता है कि गॉस थ्योरम की हेल्प से आप कूलाम लॉ को कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, या आपस में एक दूसरे से भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसीलिए आपको गॉस थ्योरम की हेल्प से क्या निकाल कर बताना है, कूलाम्स लॉ डिराइव करके दिखाना है। ठीक है, अब आपके माइंड में पूरी तरह से ये फिट होना चाहिए कि हम यूज़ किसका करने वाले हैं, गॉस थ्योरम का, और हमें लाना क्या है, कूलाम्स लॉ। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से पास होने वाला, मतलब ये कोई स्फीयर शेप ले लिया जिसके अंदर क्यू प्लस क्यू चार्ज है, और इसमें से इसके अंदर से सरफेस से पास होने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, वो फ्लक्स इस पूरी सरफेस के जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली है कि q/ε0, ये तो आपका गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लोज सरफेस लिया है, उस क्लोज सरफेस पर का जो सेंटर है O, उस पर प्लस क्यू चार्ज लिया है, और वहाँ से उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो आप, मैंने इस पॉइंट पर पॉइंट P ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया है, और यहाँ पर इस सरफेस का एक छोटा सा एरिया ds लिया है। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण इस स्फीयर के चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही होगी। ठीक है, उसमें से अभी हम सिर्फ इस स्मॉल पोर्शन ds की बात कर रहे हैं, यानी इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसके अंदर से पास होने वाली, इतने इतने पोर्शन से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो इसमें से एक फील्ड लाइन मैं बना रही हूँ जो जस्ट O से कहाँ तक मिलती है, पॉइंट P तक, वेक्टर E। ठीक है, और इसका, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा जिसको हमने कहा है वेक्टर ds। ठीक है, और ये पूरी सरफेस है, इसकी रेडियस है R, आप इधर भी अलग से बना सकते हैं, इस स्फीयर की रेडियस है R। ठीक है, अब मैं कहूँगी कि इस पूरी सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होगा, फाई इक्वल टू पूरी सरफेस का इंटीग्रेशन वेक्टर E, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट इसका एरिया वेक्टर। आप हमेशा याद रखिएगा कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस, पहले फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी सरफेस, किसी सरफेस से पास हो जाती है तो उसे हम कहेंगे उस सरफेस का फ्लक्स। तो यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है E, ठीक है, इस पर्टिकुलर सरफेस से पास हो रही है, यानी कि कैलकुलेशन के लिए हम मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया कर देते हैं। ठीक है, तो उसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो फ्लक्स कहलाता है, और पूरी सरफेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसलिए हमने फाई लगा दिया। ठीक है, नाउ जैसे ही ये वेक्टर हटेगा, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो वो क्या होता है, डॉट हट जाता है, तो EdS cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी डायरेक्शन ds की और E की, दोनों के डायरेक्शन कहाँ है, एक ही साइड है, एक साइड है, यानी दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो 0 डिग्री होगा, यानी कि cos 0 कितना होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो phi इक्वल टू इंटीग्रेशन EdS। ठीक है, ये बचा अपने पास। अब आप इस ds को, क्योंकि यहाँ पर अपने इंटीग्रेशन करेंगे तो E बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी पूरी सरफेस का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास होगी पूरे सरफेस का एरिया 4πr². ठीक है, तो phi की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई E 4πr², ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कि फ्लक्स जनरली क्या होगा, बाय गॉस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर हमें गॉस की हेल्प करनी है, क्योंकि गॉस थ्योरम से अगर हम इसे डिराइव करेंगे तो गॉस थ्योरम में फ्लक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे, बाय गॉस थ्योरम
क्या होगी गॉस थ्योरम कि जो फ्लक्स होता है वो पूरी सरफेस पर जो नेट चार्ज होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों ही फ्लक्स इसी के लिए, यानी कि ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों इसी सरफेस का है, इसीलिए दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वलाइज, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के फ्लक्स सेम होंगे, तो फाई और फाई दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का वो इक्वल है, यानी कि जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो है वो ई फोर पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर ई की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, सिंपली क्यू अपनी जगह 4πr² अपॉन में आ जाएगा, और ये 4πε के साथ आएगा तो कुछ इस तरह से अरेंज होगा, 1/4πε0, क्यू ऊपर ही रहेगा और आर स्क्वायर क्यू के नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरा टर्म अगर इसके नीचे आ जाता है तो क्या बनता है, 4πε0 आर स्क्वायर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो आपको पता होगा कि हमें कूलाम्स लॉ लाना है। कूलाम्स लॉ होता क्या है, किसी भी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं, अगर हमें कूलाम लॉ डिराइव करना है, कि जो पॉइंट पी पर है एक अनदर चार्ज Q0 आ चुका है। ठीक है, तो या फिर सिंपल आप देखिए कि अगर जिस भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक, तो उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आने वाला कोई दूसरा Q0 चार्ज होता है, तो फोर्स कूलाम लॉ होता क्या है, उस चार्ज के कारण वो दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स, यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ठीक है, और वो फोर्स और वो जो चार्ज आया है पॉइंट चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का रेशो क्या कहलाता है, इस चार्ज के कारण उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि ई इक्वल टू, वी नो दैट E इक्वल टू एफ अपॉन Q0। ठीक है, तो E की वैल्यू ये है और E की वैल्यू ये है, यहाँ पर आप इक्वेशन थर्ड दे दीजिए और ये इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगी। दोनों को अगर इक्वर्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर, तो क्या मिलेगा हमें, एफ अपॉन Q0 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी Q0 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा कूलाम्स लॉ था, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे 1/4πε0 पूरा कॉन्स्टेंट है, तो यही आपका कूलाम्स लॉ था F इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, गॉस थ्योरम से कूलाम्स लॉ को डिराइव किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। ठीक है, अब एप्लीकेशन से पहले आप ये समझिए कि ये हमेशा किस पर मान्य रहेगा, हमेशा क्लोज सरफेस के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो क्लोज सरफेस पर ही होगी। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से, बट किसके लिए, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर के लिए। ठीक है, अब चार्ज वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सिंपल चार्ज नहीं ले सकते हम लोग, हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस को एज्यूम करना पड़ेगा। और क्लोज सरफेस के लिए अगर हम एक लॉन्ग थ्रेड की अगर बात करें तो उस हिसाब से क्लोज सरफेस हमारी सिलेंड्रिकल शेप में रहेगी, 3D इसमें। ठीक है, जैसे कि ये एक सरफेस बना लेते हैं हम लोग, 3D की बात है, क्लोज सरफेस की बात है, और चार्ज वायर की है, तो ये एक वायर है सपोज कीजिए, ये एक वायर है और ये चार्ज्ड वायर है, मतलब इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस चार्ज वायर की, इस चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो गॉस थ्योरम की हेल्प से करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस वायर को आसपास, ये एक्चुअल में एक वायर है बट इसके आसपास हमें एक सिलेंड्रिकल शेप एज्यूम करना होगा। ठीक है, और
इस चार्ज इस वायर पे भी जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और कहाँ तक है, जहाँ तक इसकी लेंथ है वहाँ तक, ठीक है। अब हमने गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस पर एप्लीकेबल थी, इसलिए हमने इस वायर के आसपास क्या किया, एक सिलेंडर एज्यूम किया, ठीक है। अब इस सिलेंडर की कितनी सरफेस है, पहली सरफेस तो ये हो गई जिसको हम बोलते हैं S1, जो कि इसकी कर्व सरफेस है, ठीक है। नीचे वाली सर्कुलर S2 सरफेस और ऊपर वाली S3। अब तीनों सरफेस के एरिया वेक्टर अगर हम बनाएंगे तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से लेंगे, हम छोटे छोटे पोर्शन ले रहे हैं पूरी सरफेस को ना लेते हुए, पहले इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्शन लिए जा रहे हैं जो इनके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटर रहेगा, जिसको कहेंगे हम DS1। ये पहले वाले का एरिया वेक्टर है, ये ऊपर से हम छोटा सा पोर्शन लेके इसका एरिया वेक्टर लेंगे DS2, ठीक है। और नीचे भी उसी तरह एक छोटी सरफेस लेकर इसका एरिया वेक्टर रहेगा DS3, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो हमेशा सरफेस वाइज चेंज नहीं होगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो तो फिक्स ही रहना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रहेगी E1, ठीक है। अगर दूसरा भी है तो दूसरे वाले की भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो वो भी ऐसे ही रहेगी, ई ही नाम देंगे क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर E1 E2 नहीं करेंगे हम लोग। तीसरी वाले की अगर फील्ड की बात करें तो भी वो यही रहेगी क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। अब अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स यानी कि पूरे सिलेंड्रिकल शेप का फ्लक्स रहेगा φe, इसमें से पास होने वाली, अब ये सारे चार्जेस हैं ना, इसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं ये चार्जेस की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्जेस की इलेक्ट्रिक लाइन जितनी सिलेंडर से पास होती जा रही है, ठीक है, जितनी भी सिलेंडर की सरफेस से गुजर रही है चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी, पूरे सिलेंडर से पास होने वाली जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स है वो सब क्या कहलाएगी, उस पूरे सिलेंडर का फ्लक्स कहलाएगी। तो पूरे सिलेंडर का फ्लक्स क्या होगा, φe इक्वल टू पूरे सिलेंडर की सरफेस, सरफेस इंटीग्रेशन लगाया यानी कि पूरे सिलेंडर की सरफेस काउंट होगी, ठीक है, इसके अंदर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट इसकी टोटल जो भी सरफेस है, ठीक है, उसके लिए। नाउ अब आप देखिए कि जो फाई है टोटल फ्लक्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो फ्लक्स तीन पोर्शन में डिवाइड है क्योंकि यहाँ पर सरफेस तीन है, DS1 एक कर्व सरफेस है, एक नीचे वाली सरफेस है और एक ऊपर वाली सरफेस है। तो इसी पोर्शन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, वेक्टर DS1 सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर DS2 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट DS3, ठीक है। नाउ हमें वन बाय वन सबकी वैल्यू निकालनी है, तो आप जानते हैं कि पहली सरफेस की अगर बात करें तो यहाँ पर DS और E दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दूसरी सरफेस की बात करें तो वेक्टर E इस तरफ है और DS ऊपर है यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तीसरी सरफेस की बात करें तो E और DS3 दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल यानी कि इनके बीच का एंगल जीरो होगा और इन दोनों के बीच में DS और E के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगेन जैसा हम करते आ रहे हैं इंटीग्रेशन है तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हटाएंगे तो E DS1 cos थीटा, थीटा की जगह मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वेक्टर E और वेक्टर DS के बीच में जो एंगल है वो एक ही डायरेक्शन में यानी कि 0 है, प्लस दूसरे वाले के लिए EDS cos 90 डिग्री और तीसरे वाले के लिए EDS cos अगेन DS3 और ये DS2 cos 90 डिग्री, ठीक है। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 तो 1 होता है और cos 90 होता है 0, यानी कि आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन EDS cos DS1 cos 0 कितना हो गया 1 प्लस, अब यहाँ देखिए दोनों के बीच का एंगल ही क्या हो गया 0, 0 होने से पूरे टर्म्स क्या बन गए ये 0, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास बचा φe इक्वल टू वेक्टर EDS1, ठीक है, यानी कि E को हम डायरेक्ट ये भी कॉमन ले लेते हैं DS1।
अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds1 है ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है। और किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पर जो वेक्टर ds की वैल्यू मैं क्या रखूँगी, पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, होता है 2πr l, l या जो भी सिलेंडर की लेंथ है, अगर h एज्यूम करते तो h भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें, ठीक है, यानी कि पूरी सिलेंडर सरफेस पर प्रेजेंट जो टोटल चार्जेस है, जितना भी सरफेस पर चार्ज है इसके कर्व सरफेस पर, वो क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल, यानी जितनी भी सरफेस क्या, इसमें अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी रखेंगे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब आप पूरे सिलेंडर के वायर की बात करें ना, सिलेंडर तो आपने एज्यूम किया है गॉस थ्योरम के थ्रू प्रूव करने के लिए, तो अगर हम ये देखें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, पूरे वायर तक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो टोटल, तो वो जो वायर की लेंथ है वो हमने माना है कि उतना ही लंबा सिलेंडर है। ठीक है, तो इस सिलेंडर की जो लेंथ होगी वही इस वायर की लेंथ है एल। ठीक है, तो इस पूरे वायर तक आने वाले टोटल चार्ज क्या है, क्यू। ठीक है, और ऐसे जितने भी चार्जेस है उस पूरी डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट करा है लैम्डा से, यानी कि किसी भी लीनियर वायर है उस वायर के ऊपर जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उन चार्ज का कंबाइन फॉर्म क्या कहलाएगा, मतलब कितनी डेंसिटी है, कितनी लेंथ तक कितने चार्ज आ गए वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्डा से, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, जितनी भी लेंथ तक जितने जो चार्जेस है, ठीक है, वो फील है तो उसकी एक जो भी डेंसिटी कहलाएगी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। और यहाँ पर सिलेंडर को हमने एज्यूम किया है, जितना लंबा हमारा वायर है उतना लंबा हमने इस सिलेंडर को बना लिया है, एज्यूम किया है, तो जो सिलेंडर की लंबाई थी वही हमारे वायर की लेंथ है, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल, यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू एल हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा Q की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, जिसको आप इक्वेशन नंबर, इसको आप फर्स्ट नेम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो। ठीक है, नाउ फाई इक्वल टू, हमें पता है कि क्या होता है फाई की वैल्यू, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पर आपको गॉस थ्योरम का यूज़ करना है, इसलिए हमेशा गॉस थ्योरम आप लास्ट में रखेंगे, जैसा आपने यहाँ पर भी किया था, यहाँ पर लास्ट में आपने गॉस थ्योरम को पुट किया था। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, गॉस थ्योरम रखना है, तो बाय गॉस थ्योरम लिख लीजिए यहाँ पर। गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने निकाली लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ठीक, और इसी फ्लक्स को, ये मैं फाई ई लिख रही हूँ, तो आप यहाँ पर भी फाई ई लिख सकते हो फ्लक्स को, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो फाई ई लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी और इक्वेशन नंबर थर्ड है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या मिला आपको, फाई ई टू पाई आर एल के इक्वल है, और यहाँ पर फाई लैम्डा एल अपॉन फाई एप्सिलॉन जीरो के इक्वल है, तो ई इंटू टू पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, एल से एल कैंसिल, ई इक्वल टू क्या मिला हमें, लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन जीरो, तो टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी लॉन्ग वायर पे जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसकी। ठीक है, ये गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने डिराइव किया है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको एक थीन शीट पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है, उसके लिए आप एक थीन शीट एज्यूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इस शीट पर यूनिफॉर्मली सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं, बहुत सिंपल है ये, और जो भी इस शीट पर चार्ज है इसके कारण इसकी इस एक्सिस पर इस तरफ भी और इसके जस्ट पीछे की साइड भी, दोनों साइड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वेक्टर ई1, वेक्टर ई1 ये भी इस तरफ रहेगी और ये इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड होती है। ठीक है, अगेन मुझे इस शीट के अंदर
एक लाइन मैंने एज्यूम की है और इक्वल डिस्टेंस है यहाँ से जो पॉइंट P है उस पर, और यहाँ पर भी सेम P डैश है, उसकी डिस्टेंस भी आ रही है, इक्वल डिस्टेंस एज्यूम की है इस शीट से। और अब इस पर फाइंड आउट करने के लिए अगेन गॉस थ्योरम की हेल्प चाहिए। गॉस थ्योरम किस पर एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस पर। तो हमने एक सिलेंडर एज्यूम किया है, ठीक है, और सिलेंडर एज्यूम किया है तो क्या होगा, फाइनली इसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, और फ्लक्स क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ठीक है, जिसको आप सिंपल करके लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि अगर आप इस सरफेस की बात करते हैं तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा इससे जस्ट 90 डिग्री पर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली दोनों साइड, अगर इस तरह की बात करें और इस तरफ की बात करें, तो दोनों के लिए भी 90 डिग्री रहेगा एरिया वेक्टर, तो ठीक है, और जो 90 डिग्री रहेगा तो फाइनली ई डी एस बचेगा, ठीक है। अब अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या रहेगा, ई डी एस, ठीक है। अब ये पूरी शीट का एरिया ए है, तो इस तरफ के लिए भी क्या होगा, ई ए डी एस रख लो या ई ए रख लो, यहाँ पर हम ई ए भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि हमने पूरी शीट का एरिया क्या मान लिया है, ए। अब देखो ई ए प्लस ई ए, इस तरफ के लिए भी और इस तरफ के लिए भी, तो फाइनली फाई ई किसके बराबर होगा, टू ई ए के बराबर होगा, ठीक है। नाउ गॉस थ्योरम की हेल्प चाहिए, तो बाय गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि जो फ्लक्स होता है वो किसी भी सरफेस पर जो टोटल चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। अगेन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 2EA इक्वल टू q/ε0। अब यहाँ पर हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वैसे ही ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब किसी भी सरफेस पर आने वाले कितने टोटल जो भी चार्ज होंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका एरिया, वो उसकी डेंसिटी कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन 2A/ε0। अब 2A/ε0 में, सॉरी, क्यू अपॉन ए की बात करें तो क्यू अपॉन ए क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। फाइनली क्या बचा, 2/ε0, ठीक है। और अगर ये सिंपल है, अगर आप वेक्टर के फॉर्म में अगर देखेंगे तो 2 एप्सिलॉन 0 एक यूनिट वेक्टर लगा दीजिएगा, यूनिट वेक्टर मतलब दोनों में से किसी भी एक परपेंडिकुलर, सॉरी एक डायरेक्शन में जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वरना यहीं तक सफिशियंट है। तो ये आपका किसी सरफेस के लिए था, जैसे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वैसे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।